हेलो, नमस्कार। जब मैं अपने पेशेंट्स को सलाह देता हूँ कि आप इस बारिश के सीज़न में आपका पीने का पानी गर्म करके, मतलब उबाल के ठंडा करके पीजिए, तो मुझे बहुत सारे पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर, हम तो ऑलरेडी पानी को फिल्टर करते हैं, हमारे पास 20-20, 30-30 हज़ार के फिल्टर है, तो क्या फिर भी हमें नीड है इस पानी को गर्म करके ठंडा करके पीने की। तो मैं उन सारे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ, आज भी मैं आपको यही बताऊँगा जो मैं उन्हें बोलता हूँ, उसके पीछे का एक आयुर्वेदिक रीज़न क्या है। फिल्टर जो है ना, वो हमारे पानी को क्लीन करेगा, नो डाउट, वो हमारे पानी को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। फिल्टर का हमें यूज़ करना चाहिए, पर गर्म करके जो ठंडा किया हुआ पानी है, उबाल के ठंडा किया हुआ पानी, तो वो हमारे पीने को पानी, मतलब उबालने के बाद जो हमारा पीने का पानी होता है ना, वो बहुत ही लघु हो जाता है। लघु यानी वो हमें डाइजेशन में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है, वो हमारी भूख बढ़ाता है, हमारे शरीर में जो कफ और वात का जो बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है ना, उसे वो हमेशा रेगुलेट करता है। हमारा जो फीकल मैटर बनता है, यानी हमारा जो मल बनता है ना शरीर का, उसे बाहर छोड़ने के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। और वो पानी पीने से हमें जो छोटे मोटी जो ये भी बीमारियाँ होती है ना, जो सीजनल चेंज की वजह से होती है, तो वो होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को भी सलाह दूंगा कि एटलीस्ट आप इस बारिश के सीजन में गर्म करके, यानी उबाल के ठंडा किया हुआ पानी ही पिए। थैंक यू।